हेलो, वन पीस का चैप्टर 1083 अनऑफिशियली आ चुका है। अभी तक रीड नहीं किया है तो पहले रीड कर लो, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन मिल जाएगा, फिर ये वीडियो देखना। लेट्स बिगिन। पहले तो अ बिग कूडोज टू ओडा। आई डिडेंट एक्सपेक्ट एट ऑल कि ओडा साबो वाले सिचुएशन को ही कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर पूरा रिवोल्यूशनरी आर्मी और मरीजोआ के अराउंड ही घूमा है। आई वॉज रियली सरप्राइज्ड बाय दिस। टोटल दो सिचुएशंस दिखे हैं इस चैप्टर में। पहला सिचुएशन प्रेजेंट में रिवोल्यूशनरी आर्मी के अराउंड है एंड सेकेंड सिचुएशन पास्ट के तब का है जब साबो और बाकी रेवो वाले मरीजोआ इन्वेड किए थे। फर्स्ट सिचुएशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, जो कि एक कन्वर्सेशन ऑफ साबो, ड्रैगन एंड इवांकोव। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चली हमें इनके कन्वर्सेशन से। पहले तो ये पता चला है कि रेवो के टोटल में 3 गोल्स थे मरीजोआ में एंड साबो एंड दी अदर्स वर एबल टू अकम्प्लिश ऑल ऑफ देम। द फर्स्ट गोल ऑफ देयर्स वॉज टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो कि उन्होंने किया बाय डिस्ट्रॉइंग सेलेस्टियल ड्रैगन सिंबल। सेकेंड गोल ऑफ देयर्स वॉज टू फ्री कुमा एंड एज मेनी स्लेव्स एज पॉसिबल एंड थर्ड गोल ऑफ देयर्स वॉज टू डिस्ट्रॉय द फूड रिजर्व्स ऑफ होली लैंड। मुझे थर्ड गोल इन पर्टिकुलर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खाने के सप्लाई को खत्म करके रेवो मरीजोआ को अंदर से वीकन कर दिया है। एंड नॉट ओनली दिस, इससे अब सेलेस्टियल ड्रैगन्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हंगर एक्सपीरियंस करेंगे, इवन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हरामखोर लोग रियली डिजर्व्स दैट। ऑल्सो रेवो के इस इन्वेजन की वजह से 12 किंगडम्स ट्रिगर हुए हैं, आउट ऑफ विच 8 किंगडम्स एक्चुअली स्टूड अगेंस्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट। 7 एक्चुअली, क्योंकि आउट ऑफ दिस 8 एक था लुलुशिया किंगडम, जिसको इमुसामा ने उड़ा दिया है। इसका रीज़न फ्रॉम व्हाट आई थिंक वॉर्न करना था बाकी 7 किंगडम्स को कि अगर वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए तो उन्हें भी उड़ा दिया जाएगा। ये सब इन्फो खुद में काफ़ी क्रूशियल है, लेकिन इनमें से मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, सबसे ज़्यादा आई कैचिंग लगा, वो है गॉड्स नाइट्स का। लेट्स टॉक अबाउट देम। ड्रैगन ने बात किया गॉड्स नाइट्स का, और आई शुड से होली नाइट्स का या रॉयल नाइट्स का, ऑफिशियल ट्रांसलेशन में पता चल जाएगा इनको एक्चुअली में क्या बोला जाता है। इंटरेस्टिंग थिंग इज द वे ड्रैगन टॉक्ड अबाउट दीज गॉड्स नाइट्स। इट सीम्स दैट दीज आर द रियल थ्रेट ऑफ रेवोल्यूशनरी आर्मी। नाउ एक चीज़ शायद तुम्हारे भी नज़र में आया होगा, दैट इज दिस फर्स्ट सिल्वेट। ये शैंक्स जैसा क्यों दिख रहा है? व्हाट द हेल, कैन दिस नाइट एक्चुअली बी शैंक्स? देखो ना, वही कैसा ग्रीफोन सा स्वॉर्ड है इस बंदे के पास, वो भी राइट साइड में, जस्ट लाइक शैंक्स। इसने क्लोक भी पहना हुआ है जस्ट लाइक शैंक्स, इवन हेड एंड बालों का शेप भी शैंक्स सही है। आई थिंक दिस इज शैंक्स। अगर ऐसा है देन दैट मीन्स कि ड्रैगन का ऐसे गॉड्स नाइट्स को थ्रेट समझना इज टोटली लॉजिकल। अब मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, सच बताऊँ, कि शैंक्स एक्चुअली में वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ से लड़ेगा। आई ऑनेस्टली कैन नॉट इमेजिन हिम एज अ गॉड्स नाइट। बट अगर ये नाइट एक्चुअली में शैंक्स है, देन वॉट आई थिंक इसके शैंक्स मैनिपुलेट कर रहे हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को। यार लेकिन शैंक्स अगर एक गॉड्स नाइट है तो वो अपना पायरेट क्रू कैसे संभालता होगा और कब संभालता होगा? काफ़ी वियर्ड है चीज़। आई थिंक रैदर देन कमेंटिंग ऑन दिस थिंग, हमें ओडा का वेट करना चाहिए कुछ रिवील करने का, बिकॉज ही ओनली नोज एंड ही ओनली कैन टेल नाउ कि ये शैंक्स है कि नहीं। हम लोग सोचने जाएंगे तो कन्फ्यूज ही होंगे। एंड ये वाले सिल्वेट की जस्ट बाजू में जो इस नाइट का सिल्वेट है, इस नाइट का एक फीचर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, दैट इज हिज हॉर्न्स लाइक थिंग ऑन दी हेड। कुड दिस गाय बी एन ओनी काइडो वाला स्पीसीज? भाई मजा आएगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन दिस गॉड्स नाइट्स आर अ बिट ऑफ कंसर्न टू, क्योंकि द वे ओडा पोर्ट्रेट देम, इट सीम्स दैट दिस 9 गॉड्स नाइट्स आर टॉप टीयर्स, मे बी ऑन पार्स विद एडमिरल्स, और हु नोज, मे बी दे आर योंको लेवल, नॉट स्ट्रॉगर और इक्वल्स टू योंको, बट मे बी दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव दम अ गुड फाइट। अगर ऐसा है देन दिस इज क्वाइट अ रिस्की थिंग, क्योंकि इस पॉइंट पे ऐसे न्यू टॉप टीयर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना जिसके बारे में पहले कभी मेंशन भी नहीं हुआ है, ये स्टोरी को इम्प्रूव भी कर सकता है और लूप होल्स भी क्रिएट कर सकता है। बहुत ढंग का प्लानिंग चीज कैरेक्टर्स को यूटिलाइज करने के लिए, एंड आई रियली होप कि ये प्लानिंग ओडा ने की हो, ओनिगशिमा वॉर वाला मेस ना हो जाए बस इधर, और इस बार अगर हुआ तो पूरा स्टोरी क्रम्बल करने लग जाएगा। वेल आई थिंक आई हैव टॉक्ड इनफ अबाउट दिस सिचुएशन एंड गॉड्स नाइट्स। वैसे गॉड्स नाइट्स के सिल्वेट को देख के मुझे पता नहीं क्यों बट बर्ज़र्क के गॉड हैंड की याद आई। बर्ज़र्क फैंस कैन रिलेट। एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सेकेंड सिचुएशन। फ्लैशबैक में एक ब्रीफ फाइट दिखा है बिटवीन एडमिरल्स एंड रेवोल्यूशनरी आर्मीज कैप्टन्स। इस फाइट में वैसे तो एडमिरल्स इजली जीत जाते, बट क्योंकि ये मरीजोआ में हो रहा था, एडमिरल्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू यूज देयर फुल पावर। इसी रीजन से मोरली ने रियो कोग्यू के हाथ में भाला गोद दिया। वैसे दिस पायरेट इज दिस स्पीच वियर्ड, व्हाटएवर। इस फाइट का एक चीज़ जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, दैट इज ऑब्वियसली कारासू ब्रो। ऑल द वन पीस ऑडियंस थॉट दैट कारासू के पास एक जोन फ्रूट है क्रो से रिलेटेड, क्योंकि उसका थीम ही क्रो वाला है, बट ऐसा नहीं है। कारासू के पास जोन या पैरामीसिया नहीं बल्कि लोग या फ्रूट है, सूद सूद फ्रूट। सूद इफ यू डोंट नो, चिमनी से काला काला ऐसा निकलता है ना, एशेस सा,
उसे सूत बोलते हैं, विच इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फायर, विच मीन्स कि वो एक नेचुरल एलिमेंट है, एंड कारासु कैन ट्रांसफॉर्म हिज बॉडी इनटू सूत, विच मीन्स कि वो एक लोहिया यूजर है। एंड जो कौवे से हमने पहले देखा था ना, वो एक्चुअली में सूत के बने हुए थे। सूत फ्रूट इज आई थिंक द 12th लोहिया फ्रूट एवर इंट्रोड्यूस्ड। हाँ, कि इंट्रोड्यूस हुए कितना ज़्यादा टाइम हो गया, फिर भी जब भी कोई नया लोहिया इंट्रोड्यूस होता है तो मज़ा आता है नी। आई रियली लाइक द पावर्स ऑफ कारासु। ऑल्सो दिस चूहा हैज सम गैजेट रिलेटेड टू लेजर्स, वेगापंक टेक्नोलॉजी शायद। वैसे CP9 वाले सारे पुराने दल्ले दिखे इस चैप्टर में, ये दल्ले आनंद ले रहे थे एडमिरल्स वर्सेस रेवो कैप्टन्स के फाइट का, इसलिए वहीं रह गए और काकू लुच्ची CP0 पहुंच गए, गवार कामचोर लोग। लास्ट पैनल में कोबरा दिखा है जिसको गोरोसे लोग बुलाए थे अपने रूम में। दिस टेल्स अस कि जो साबो वाला पिक्चर था जिसमें कोबरा भी मरा पड़ा था, उस टाइम गोरोसे ही कोबरा को शायद मार के बर्ड लिए थे सो दैट दे कैन फ्रेम साबो फॉर दैट, या फिर इमुसामा ने मारा कोबरा को शायद से, विच मेक्स मी थिंक कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग कोबरा इमुसामा रिवील्ड हिज और हर फेस टू साबो, दैट वुड मेक इमू सच अ डम गाय और गर्ल। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, रियली एक्साइटेड टू नो हाउ एग्जैक्टली साबो सॉ इमू, क्योंकि उसने थ्रोन खाली नहीं देखा था ना, मतलब ही सॉ इमू, कितना देखा उसे, दैट्स द क्वेश्चन। तुम्हें वैसे इस चैप्टर का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा? मुझे तो कारासु के पावर्स बेस्ट लगा, नो कैप। ऑल्सो मैं फाइनली वो न्यूज़पेपर दिखा जिसको देख के सब चौंक गए थे, इट वॉज नाइस। ओडा ने एक्चुअली में ऑडियंस को वो पेज दिखाया, कूल। गॉड्स नेट्स के बारे में और जानने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 5 चैप्टर से एग हेड बिल्कुल नहीं दिखा है, पता नहीं कब दिखेगा वो। दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल का बेस्ट वीडियो होने वाला है, डोफ्लामिंगोज कैरेक्टर एनालिसिस, उसको देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मस्त मिलेगी, तो बाय बाय। We'll be right back.